हेलो एवरीवन दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू माय चैनल डायलैक्टिकल गर्ल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में प्लेजरिज्म आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्लेजरिज्म क्या होता है इसके टाइप्स क्या क्या हैं और साथ ही में हम ये भी जानेंगे कि रिसर्चर्स ऐसे कौन से मेथड्स और टेक्निक्स को एम्प्लॉय कर सकते हैं जिससे वो प्लेजरिज्म को अवॉइड कर सकते हैं मैंने और भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनाई हुई हैं अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप मेरा चैनल विजिट करके देख सकते हैं या फिर मेरी प्ले में जाकर देख सकते हैं और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोज़ को लाइक करिएगा अपने व्यूज़ कमेंट करिएगा वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लेजरिज्म का मतलब क्या होता है रिसर्च में प्लेजरिज्म का मतलब होता है किसी और के वर्क आइडियाज़ या वर्ड्स को अपने खुद के वर्क आइडियाज़ एक्सेट्रा की तरह प्रेजेंट करना यानि कि किसी और पर्सन के वर्क या आइडियाज़ को ऐसे प्रेजेंट करना जैसे कि वो हमारे खुद के वर्क या आइडियाज हैं प्लेजरिज्म एक ऐसा प्रोसेस या प्रैक्टिस है जिसमें दूसरे पर्सन के आइडियाज़ और वर्क को यूज़ किया जाता है और ऐसा प्रिटेंड किया जाता है कि वो हमारा अपना खुद का वर्क या आइडिया है जो भी ओरिजिनल पर्सन है जिसका वो वर्क या आइडिया है उसे हम प्रॉपर क्रेडिट या एक्नॉलेजमेंट नहीं देते हैं अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो प्लेजरिज्म का मतलब है अपने रिसर्च वर्क में किसी और के वर्क या आइडियाज़ को इनकॉर्पोरेट करना और उस सोर्स को प्रॉपर क्रेडिट या एक्नॉलेजमेंट नहीं देना प्लेजरिज्म एक सीरियस एथिकल वॉयलेशन है जो कि एकेडमिक इंटीग्रिटी को अंडरमाइन करता है और साथ ही में यह एक तरह का थेफ्ट है और इसे एकेडमिक क्राइम भी कंसिडर किया जाता है अब अगर हम शॉर्ट में समझें तो प्लेजरिज्म का मतलब होता है किसी और के वर्क या आइडिया को यूज़ करना बिना उस पर्सन को प्रॉपर क्रेडिट या एक्नॉलेजमेंट दिए हुए और ऐसा प्रिटेंड करना कि वो वर्क हमारा खुद का है वो आइडिया हमारा खुद का है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अपने खुद के रिसर्च वर्क को दोबारा यूज़ करना भी प्लेजरिज्म के अंदर ही आता है अगर आपने अपने खुद के रिसर्च वर्क को बिना साइटेशन के यूज़ किया है तो वो भी प्लेजरिज्म के अंदर ही आएगा मान लीजिए हमने कोई रिसर्च वर्क पब्लिश किया और उसके बाद हम अपना दूसरे रिसर्च वर्क पे काम कर रहे हैं हमने अपने पहले पब्लिश रिसर्च वर्क से कोई सेक्शन उठा के अपने सेकेंड रिसर्च वर्क में इनकॉर्पोरेट कर दिया और प्रॉपर साइटेशन नहीं दिया तो वो भी प्लेजरिज्म के अंदर ही आएगा भले ही वो हमारा खुद का रिसर्च वर्क था बट स्टिल वो प्लेजरिज्म के अंदर ही आएगा आई होप आपको प्लेजरिज्म का मीनिंग अच्छे से समझ आ गया होगा अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म की तो प्लेजरिज्म के एट टाइप्स हैं फर्स्ट है कंप्लीट प्लेजरिज्म ये एक सीरियस टाइप का प्लेजरिज्म है इसमें क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है वो किसी दूसरे पर्सन के वर्क को एज इट इज़ कॉपी कर लेता है और अपने नेम के अंडर पब्लिश करा देता है यानी कि किसी और का रिसर्च वर्क है उसे हमने पूरा का पूरा कॉपी कर लिया और उसमें अपना नाम दे के उसे पब्लिश करा दिया इसे हम कंप्लीट प्लेजरिज्म कहते हैं और ये एक सीरियस फॉर्म ऑफ प्लेजरिज्म है सेकंड है सोर्स बेस्ड प्लेजरिज्म इसमें क्या होता है कि जब हम अपने रिसर्च वर्क में किसी और रिसर्च वर्क से कुछ चीज़ें इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उस रिसर्च वर्क को मैंशन करते टाइम या फिर उसे साइट करते टाइम अगर हम उसे इनक्यूरेटली या इनकम्प्लीटली साइड कर देते हैं तो उसे सोर्स बेस्ड प्लाजरिज्म कहते हैं मान लीजिए हमने किसी एक्स रिसर्च वर्क से कुछ चीज़ें इनकॉर्पोरेट करी थी लेकिन साइटेशन देते टाइम हम वहाँ पर वाई रिसर्च वर्क मैंशन कर देते हैं तो इसे सोर्स बेस्ड प्लाजरिज्म कहते हैं थर्ड है डायरेक्ट प्लाजरिज्म इसे वर्बेटिम भी कहते हैं इसमें क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है वो किसी और रिसर्च वर्क से कुछ पार्ट कॉपी करके अपने रिसर्च वर्क में इनकॉर्पोरेट कर देता है और वो पार्ट वो एज इट इज कॉपी करता है यानी कि जो भी वर्ड्स सेंटेंसेस पैराग्राफ्स या सेक्शन होते हैं उन्हें एज इट इज़ कॉपी करके अपने रिसर्च वर्क में इनकॉर्पोरेट कर लेता है तो इसे डायरेक्ट प्लाजरिज्म कहते हैं अब कंप्लीट प्लाजरिज्म और डायरेक्ट प्लाजरिज्म में क्या डिफरेंस है कंप्लीट प्लाजरिज्म में जो पूरा का पूरा रिसर्च वर्क होता है उसे ही कॉपी करके अपना नेम मेंशन करके पब्लिश करा दिया जाता है लेकिन डायरेक्ट प्लाजरिज्म में रिसर्च वर्क के कुछ पार्ट को कॉपी करके अपने रिसर्च वर्क में इनकॉर्पोरेट किया जाता है फोर्थ टाइप है सेल्फ और ऑटो प्लेजरिज्म यह हमने पहले भी जाना जब हम अपने खुद के रिसर्च वर्क को अपने दूसरे रिसर्च वर्क में इनकॉर्पोरेट करते हैं विदाउट गिविंग प्रॉपर साइटेशन तो उसे सेल्फ या ऑटो प्लाजरिज्म भी कहते हैं मान लीजिए हमने कोई रिसर्च वर्क पब्लिश करवाया उसके बाद हमने अपने दूसरे रिसर्च वर्क में उस पब्लिश रिसर्च वर्क के कुछ पार्ट या कुछ सेक्शन इनकॉर्पोरेट कर लिया और हमने प्रॉपर साइटेशन नहीं दिया उस प्रीवियस रिसर्च वर्क को तो वो सेल्फ या ऑटो प्लाजरिजम के अंदर आएगा फिफ्थ टाइप है पैराफ्रेजिंग प्लाजरिज्म इसमें क्या होता है जब हम किसी और के वर्क या आइडिया को अपने रिसर्च वर्क में अपने वर्ड्स में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं तो वो पैराफ्रेजिंग प्लाजरिज्म के अंदर आता है अब मान लीजिए किसी ने एक पर्टिकुलर आइडिया अपने रिसर्च वर्क में प्रेजेंट किया है अब उसके आइडिया को हम अपने वर्ड्स में अपने रिसर्च वर्क में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं और उस पर्टिकुलर पर्सन को प्रॉपर क्रेडिट या एक्नॉलेजमेंट नहीं देते हैं तो ये पैराफ्रेजिंग फ्रेजिंग प्लाजरिज्म के अंदर आएगा हमने उसका जो पैरा था उसको तो रीफ्रेस कर दिया बट जो मीनिंग या कॉन्टेक्स था वो तो सेम ही है और वो आइडिया भी हमारा नहीं है वो उस पर्टिकुलर पर्सन को बिलोंग करता है तो अगर इस तरीके का कोई प्लाजरिज्म होता है तो उसे पैराफ्रेजिंग प्लाजरिज्म कहते हैं सिक्स टाइप है मोजैक प्लाजरिज्म इसे पैच वर्क भी कहते हैं अब इसमें क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है वो डिफरेंट रिसर्च वर्क से या फिर हम कहें कि डिफरेंट सोर्सेस से कुछ कुछ पीसेज उठाता है और उन्हें कंपाइल करके एक सिंगल पीस यानी कि एक सिंगल रिसर्च पेपर तैयार कर लेता है अगर इसे हम इजी वर्ड्स में समझें तो एक रिसर्चर है वो डिफरेंट रिसर्च वर्क्स को रिफर करता है फिर उनमें से कुछ कुछ पार्ट्स को कॉपी कर लेता है और उन पार्ट्स को मिलाकर एक नया रिसर्च वर्क तैयार कर देता है इसे हम मोजैक प्लेजरिज्म कहते हैं या फिर पैच वर्क कहते हैं या फिर अगर कोई रिसर्चर अपने रिसर्च वर्क में किसी और के आइडियाज़ को इनकॉर्पोरेट करता है और उसके थ्रू एक रिसर्च वर्क तैयार करता है तो उसे भी हम पैच वर्क कहेंगे मान लीजिए कोई रिसर्चर है उसने अपने ओन वर्ड्स में कुछ लिखा उसके बाद उसने किसी और के आइडिया को कॉपी किया या किसी और के वर्ड्स को कॉपी किया फिर उसने अपने ओन वर्ड्स लिखे फिर किसी और के आइडिया को कॉपी किया फिर ओन वर्ड्स लिखे फिर किसी और के आइडिया को कॉपी किया तो इस तरीके से जो वो पैच वर्क तैयार करेगा वो भी मोजैक प्लेजरिजम के अंदर ही आएगा सेवन्थ टाइप है एक्सीडेंटल प्लाजरिज्म इसमें क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है वो गलती से किसी और के रिसर्च वर्क का कोई पार्ट या पीस अपने रिसर्च वर्क में इनकॉर्पोरेट कर लेता है यानी कि उसे नॉलेज नहीं होती है इस चीज़ की एक्सीडेंटली वो किसी और रिसर्च वर्क का कोई पार्ट अपने रिसर्च वर्क में इनकॉर्पोरेट कर लेता है तो वो एक्सीडेंटल प्लाजरिज्म के अंदर आता है एट्थ टाइप है इनएक्यूरेट ऑथरशिप इसे हम कोलाबोरेशन प्लाजरिज्म भी कहते हैं इसमें क्या होता है जब अपने रिसर्च वर्क में हम किसी और रिसर्च वर्क के पार्ट को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उस रिसर्च वर्क के ऑथर को क्रेडिट देते दे टाइम यानी कि उन्हें साइट करते टाइम अगर हम उन्हें इनएक्यूरेटली साइट कर देते हैं तो वो इनएक्यूरेट ऑथरशिप के अंदर आएगा मान लीजिए जिस रिसर्च वर्क को हमने रेफर किया उसके तीन ऑथर्स हैं लेकिन उनको क्रेडिट देते टाइम हम सिर्फ दो ही ऑथर्स को मैंशन करते हैं यानी कि उन्हें ही सिर्फ साइट करते हैं तो फिर ये इनएक्यूरेट ऑथरशिप के अंदर आएगा तो ये तो हो गए प्लेजरिज्म के टाइप्स अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे मेथड्स और टेक्निक्स की जो कि रिसर्चर्स को एम्प्लॉय करने चाहिए प्लेजरिज्म को अवॉइड करने के लिए तो प्लेजरिज्म को अवॉइड करने के लिए रिसर्चर्स सेवरल मेथड्स एंड टेक्निक्स को एम्प्लॉय कर सकते हैं अब हम उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड एक्नॉलेज द सोर्स अपने खुद के आइडियाज़ और दूसरों के आइडियाज़ में जो डिफरेंस है उसे क्लियरली समझना चाहिए और किसी भी इंफॉर्मेशन के ओरिजिनल सोर्स को हमेशा एक्नॉलेज करना चाहिए सेकेंड प्रॉपर साइटेशन एंड रेफरेंसिंग रिसर्चर को कंसिस्टेंटली एक स्पेसिफिक साइटेशन स्टाइल गाइड को फॉलो करना चाहिए थ्रू आउट द रिसर्च किसी और के आइडियाज डेटा या वर्ड्स को यूज़ करते टाइम इन साइटेशंस को भी इंक्लूड करना चाहिए रिसर्च वर्क के एंड में एक कॉम्प्रिहेंसिव रेफरेंस लिस्ट या बिब्लियोग्राफी प्रोवाइड करनी चाहिए जिसमें वो सभी सोर्सेज लिस्टेड होने चाहिए जिन्हें साइट किया गया है थर्ड पैराफ्रेजिंग एंड समराइजिंग ओरिजिनल सोर्स के मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट को रिटेन करते हुए यानी कि बनाए रखते हुए हमें इन्फॉर्मेशन को अपने वर्ड्स में पैराफ्रेज करना चाहिए जब हम किसी सोर्स से कोई स्पेसिफिक फ्रेज़ या सेंटेंस को डायरेक्टली कोट करते हैं तब हमें कोटेशन मार्क्स का यूज़ करना चाहिए कोटेशन मार्क्स मतलब हमें इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करना चाहिए पैराफ्रेजिंग या समराइजिंग करते टाइम भी हमें साइटेशंस देने होते हैं भले ही हमने किसी और के आइडिया को अपने वर्ड्स में मैंशन किया है बट स्टिल वो है तो किसी और का ही आइडिया तो जो ओरिजिनल सोर्स है उसे साइट करना ज़रूरी है फोर्थ यूज़ ऑफ कोटेशंस जब भी किसी सोर्स को डायरेक्टली कोट करना हो तो एग्जैक्ट वर्डिंग को इंडिकेट करने के लिए कोटेशन मार्क्स का यूज़ करना चाहिए यानी कि इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करना चाहिए डायरेक्ट कोड्स के साइटेशन में ऑथर ईयर और पेज नंबर को भी इंक्लूड करना चाहिए फिफ्थ रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स रिसर्चर को रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जैसे कि एंड नोट जोटेरो एक्सेट्रा का भी यूज़ करना चाहिए जिससे वो अपने रेफरेंसेस को प्रॉपरली फॉर्मेट और ऑर्गेनाइज कर सके और इसी तरह के टूल्स साइटेशंस को जनरेट करने में बिबलोग्राफीज़ को मैनेज करने में और साथ ही में साइटेशन स्टाइल में कंसिस्टेंसी बनाए रखने में भी हेल्प करते हैं सिक्स्थ, अकेडमिक इंटीग्रिटी एंड अवेयरनेस जिस भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के थ्रू रिसर्चर रिसर्च वर्क को कर रहा है उनकी अकेडमिक इंटीग्रिटी से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ या गाइडलाइंस हैं वो उस रिसर्चर को अच्छे से पता होनी चाहिए रिसर्चर को रिसर्च एथिक्स और प्लेजरिजम प्रिवेंशन से रिलेटेड वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग सेशंस भी अटेंड करने चाहिए प्लेजरिजम को अवॉइड करने के लिए जो भी टूल्स या लेटेस्ट प्रैक्टिसज हैं उनके बारे में रिसर्चर को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए सेवेंथ सेल्फ चेक एंड प्रूफ रीडिंग रिसर्चर को अपने वर्क को केयरफुली रिव्यू करना चाहिए ताकि वो ये इंश्योर कर सके कि सारे सोर्सेज अप्रोप्रिएटली साइट किए गए हैं अन इंटेंशनल को आइडेंटिफाई करने के लिए वेरियस डिटेक्शन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करना चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल टर्नेट और ग्रामरली एक्सेट्रा अपने रिसर्च वर्क में एरर्स इनकंसिस्टेंसीज या मिसिंग साइटेशंस को चेक करने के लिए रिसर्चर को अपने वर्क को थरली प्रूफ रीड करना चाहिए एट्थ कोलाबोरेशन एंड कंसल्टेशन रिसर्चर को अपने वर्क से रिलेटेड फीडबैक और इनसाइट्स गेन करने के लिए अपने पीयर्स, मैंटॉर्स और कलीग्स की हेल्प लेनी चाहिए प्रॉपर रेफरेंसिंग एंड साइटेशन इंश्योर करने के लिए अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स की गाइडेंस भी लेनी चाहिए यानी कि जिस फील्ड में रिसर्चर रिसर्च कर रहा है उस फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट की गाइडेंस लेना भी ज़रूरी है तो ये तो हो गए कुछ मेथड्स और टेक्निक्स जिनके थ्रू रिसर्चर प्लेजरिज्म को अवॉइड कर सकते हैं अब ये बात जानना भी इम्पॉर्टेंट है कि इन सब के बाद भी अन इंटेंशनल प्लेजरिज्म हो सकता है इसीलिए हमें प्रोएक्टिव और डेलीजेंट रहना चाहिए ताकि हम उसे अवॉइड कर सकें इन मेथड्स और टेक्निक्स को फॉलो करके रिसर्चर्स एकेडमिक इंटीग्रिटी को बनाए रख सकते हैं ओरिजिनल ऑथर्स को क्रेडिट दे सकते हैं और साथ ही में नॉलेज के एथिकल एंड ऑनेस्ट डिसमिनेशन में भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सो दैट्स ऑल फॉर टुडे आई होप आपको आज की इस वीडियो के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे और क्लियर हुए होंगे अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक दिस वीडियो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स And yes, don't forget to subscribe to Dialectical Girl for more such educational content. Thank you for watching.